बाहर से व्यू ऐसा दिखता है यहाँ से ओवरऑल। हमने जनाना महल है, मतलब कि कह सकते हो आप लेडीज रूम। तो गाइज मुझे ना किसी ने बताया कि यहाँ पे ना राजा की 16 ये सारे घोड़े यहाँ पे पहले भी बनते थे राजा टाइम पे, और आज भी वही घोड़े यहाँ पे बांधे जाते हैं। भाई राजा की पैंट, इसे पहन के लड़ाई लड़ते थे। देखो घुटनों के लिए भाई स्पेशल दिया गया, कील निकली हुई है घुटनों में। राजा की बग्घी है ये, और ये उसका मॉड्यूल है। चलो राजा का घोड़ा है ये भाई। सीक्रेट रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे। एक और सुरंग, ये पुराने जमाने का चूल्हा, और ये जनाना महल है यहाँ पे, और ये बेड है राजा का, और ये पूरा कमरा है। भूसा देखो रानी की, ना पानी गर्म रहता है ऊपर से, देखो देख रहे हो ऊपर से भट्टी चलती रहती है, कोयला डला हुआ है। उसका ब्लाउज वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे रानियों का श्रृंगार किया जाता था, देखो आपको उसी तरीके से यहाँ पे चित्र बना के रखा हुआ है कैसे। ये देखो रानियों का ये सोने का अपना कक्ष है, यहाँ पे एक सोल्जर्स लेडीज सोल्जर्स के हथियार हैं भाई ये सारे। हाथी को बांध दिया जाता था और इन जंजीरों के थ्रू, ये देख लो भाई शेर पकड़ने का पिंजरा, तो इतना बड़ा पिंजरा है भाई। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो भाई इस समय मैं हूँ, जैसे कि आप जानते हो, राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर सिटी, वो की है उदयपुर। और भाई आज उदयपुर को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं भाई यहाँ पे कल आ गया था, और आज का दिन है 27 अगस्त 2023। तो भाई ये मेरा आज का आउटफिट है, कैसा लग रहा है भाई तुम्हारा भाई, कमेंट करके बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कि आज हम विजिट करेंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि सिटी प्लेस, पिचोला लेक, जगदीश्वर टेम्पल। सो भाई ये मेरा होटल था जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था, और अभी आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है जो हमारा रेंट था उसी के अंदर। तो भाई देखते हैं, दो बंदों का ब्रेकफास्ट है, देखते हैं क्या क्या अपने ब्रेकफास्ट में दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है अपना ब्रेकफास्ट, जो कि अपने होटल के जो फेयर है उसी के अंदर इंक्लूड था हमारा, 1000 रुपये के अंदर ही। तो भाई ये देख लो कितना तगड़ा ब्रेकफास्ट है, और भाई ये देखो दो बंदों का ब्रेकफास्ट है। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपना सिटी प्लेस पे। तो भाई मेरे सामने सिटी पैलेस व्यू दिखाता हूँ, देखो एकदम ये चेक करो भाई, ये है भाई यहाँ पे व्यू, ये पूरा चेक करो भाई लास्ट तक देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, जबरदस्त व्यू है। वो सामने की तरफ देख रहे हो पूरा लेक है, और सामने देखो बोट है, ये बोट दिख रही होंगी आपको, इसी बोट से हम भी बोटिंग करेंगे भाई। और ये सामने अपना सिटी पैलेस है, और सिटी पैलेस के ऊपर से देखो कितना बढ़िया व्यू आता होगा भाई, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। सो गाइस अब फाइनली मैं आ चुका हूँ सिटी पैलेस के अंदर। आपने अभी ये वाला देखा जो मैंने आपको दिखाया पिछोला लेक, ये मेरे पीछे है पिछोला लेक। सिटी पैलेस का रास्ता यहाँ से जाता है भाई, ये यहाँ से जाएंगे, और आगे जाके एक गेट है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे। और ये ऊपर देखो भाई, देख रहे हो सामने, देखो भाई क्या कंस्ट्रक्शन है, मतलब यार एकदम रॉयल फील आ रही है ये देखो। तो गाइज ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये बहुत ऊंची चढ़ाई है, स्टीफ है काफ़ी, और यहाँ के बाद मेन एंट्री गेट शुरू हो जाता है। तो सामने है फतेह प्रकाश डीओडी द्वार, और सामने है फतेह पोल, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। और ये देखो सामने, तो गाइज ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से म्यूजियम में जाएंगे, और यहाँ से टिकट काउंटर, यहाँ से भी टिकट ले सकते हो आप। तो भाई ये स्टेयर्स चढ़ने के बाद मेन कंपाउंड में आ जाते हैं हम, और ये है मेन कंपाउंड, चेक करो भाई क्या फील आ रही है। अभी ये रेलिंग वगैरह इन्होंने लगा दी है, बट पहले नहीं था ये सब, और पुराना किला उधर भी है, और ये भी है किला। तो चलो अब चलते हैं अंदर म्यूजियम में। तो गाइज ये प्राइवेट पैलेस हैं, इधर विजिट अलाउड नहीं है, जो राजा वगैरह लोग हैं ना वो इधर ही रहते हैं अंदर की तरफ।
सो गाइज यहाँ पे मैं ना रात में भी आया था और रात की जो ब्लॉग है वो मेरा चैनल पे आ चुका है, चैनल पे जाके नाइट व्यू अगर आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हो कि ये किला नाइट में कैसा लगता है। तो वो मैंने नाइट व्यू डाला हुआ है और नाइट व्यू आप चेक कर लेना। मैं आपको यहाँ से ना ये शहर दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। सो गाइज मैं अभी था नीचे और ये देखो सामने से यहाँ से ये पूरा उदयपुर शहर है और ये पूरा उदयपुर शहर देखो किस तरीके से लगता है किले के ऊपर से। अभी हमें अंदर जाना है और जो ये बाहर का जो कंपाउंड है जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ इसकी टिकट है 30 रुपीज़ और अगर आपको अंदर म्यूजियम और प्लेस विजिट करना है तो उसकी टिकट आपको मिलेगी 300 रुपये की। तो भाई देख लो ये है बाहर से कुछ इस तरीके से और ये म्यूजियम का गेट है, यहाँ से हमको अंदर जाना है। अगर आप है ना पैदल नहीं चल सकते और ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक कार भी चार्ज कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार का चार्ज है पर पर्सन 50 रुपीज़। तो चेक कर सकते हैं भाई। तो अगर आप मतलब चल नहीं सकते हैं या फिर आपको दिक्कत है चलने में या आप व्हील चेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से इजीली टिकट ले सकते हैं, 50 रुपीज़ काउंटर है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो भाई। ये चेक करो भाई बाहर से व्यू ऐसा दिखता है यहाँ से ओवरऑल, ये चेक करो गाइस। गाइस मैं आ गया हूँ अपना मेन एंट्रेंस गेट पे। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और भाई ये देखो क्या किला है भाई, और ये सामने देखो ये पूरा का पूरा ना दुर्ग है। इस दुर्ग में आप देख सकते हो कितना सारा आर्किटेक्चर है और कितने तरीके से इसको सजाया हुआ है। और चेक करो ऊपर भाई, ऊपर देख रहे हो कितनी हाइट होगी, कम से कम इसकी भाई 25 से 30 फुट हाइट है और उस पर जाके नक्काशी की गई। और गेट चेक करो भाई, ये गेट देख रहे हो भाई, कीले निकल रही हैं भाले। और भाई ये इसका अंदर से मेन कंपाउंड, जैसे ये आप एंट्री करोगे तो आपको मेन कंपाउंड में यहाँ पे आ जाएगा मोती चौक पे। तो भाई इसको मोती चौक बोलते हैं, ये पूरा जो है ये मोती चौक है। हमने जनाना महल है, मतलब कि कह सकते हो आप लेडीज रूम, उसको जनाना हॉल बोलते थे भाई उस टाइम पर। तो ये सामने जनाना हॉल और ये सामने पेंटिंग मोती चौक, सभा कक्ष इधर है भाई और ये है पूरा कैफेटेरिया। अब हम चलते हैं अंदर। सो गाइज मुझे ना किसी ने बताया कि यहाँ पे ना राजा की 16 रानियाँ थीं, ये सारे घोड़े यहाँ पे पहले भी बनते थे राजा टाइम पे और आज भी वही घोड़े यहाँ पे बांधे जाते हैं। और ये पूरा अस्तबल है भाई, ये यूज होता था हाथियों को बांधने के लिए। ये देख लो कितने बड़े बड़े पिलर है और कितनी बड़ी बड़ी जंजीर है, मोटी जंजीर है भाई, बहुत हैवी है भाई। इस पूरे जंजीर से ना हाथी को बांधा जाता था। और ये जितने भी हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना ये ऊंचे ऊंचे पत्थर से, इन्हीं के बीच में एक हाथी को बांधा जाता था, एक हाथी को उधर बांधा जाता था। तो अब इसमें क्या है, बीच के अंदर एक टांग उधर एक टांग इधर और आगे की दोनों टांगे यहाँ पे, तो ये चारों पोल से हाथी को बांध दिया जाता था और इन जंजीरों के थ्रू। ये देख लो भाई, ये है शेर पकड़ने का पिंजरा। तो इतना बड़ा पिंजरा है भाई, तो इसके अंदर शेर को पकड़ा जाता था और राजा के आदेश पे इसको शेर को पकड़ के यहाँ पे रखा जाता था। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना ये इसका मेन गेट है, इसको बंद कर देते थे पकड़ने के बाद में और ये गेट ऊपर से नीचे आ जाता था क्रेन के थ्रू। और वो जो वहाँ पे है ना सिस्टम, इसको घुमाते थे और ये अपना आप ही नीचे आ जाता था। और ये भाई ये देख रहे हो ये है अपना तेंदुए को पकड़ने का पिंजरा। तेंदुआ छोटा होता है और शेर बड़ा होता है भाई, तो शेर का पिंजरा और तेंदुए का पिंजरा। और ये चेक कर लो यहाँ पे टोटल, और ये है यहाँ से मेन एंट्री और एक्ट्री। सो गाइज ये मेरे सामने सारे राजाओं की लिस्ट है जो पहले से यहाँ पे राजा हुए हैं। सबसे पहले जो राजा हुए थे उनका नाम था गुहिल, जो कि 566 से 586 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। देन उसके बाद अभी यहाँ पर 77th राजा जो है महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवार जी हैं जो यहाँ पे अपना भी राजभार संभाल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर देख लो 76th राजा यहाँ पे राज कर चुके हैं इस महल पर। तो गाइस म्यूजियम की एंट्री हो गई है, अंदर से म्यूजियम में जाएंगे। देखो भाई ये देखो, टच करना अलाउड नहीं है, तोप है भाई, पहले ही एंट्री पर तोप, डरा दिया भाई इन्होंने तो मेरे को गाइस, डर गया हूँ मैं तोप देख के। ये देखो ओ भाई साहब, ये वस्त्र हैं जब पहले राजा जैसे कवच इन्हें पहन के लड़ाइयाँ लड़ते थे भाई, तो कतई स्टील की है भाई। भाई राजा की पैंट इसे पहन के लड़ाई लड़ते थे, देखो घुटनों के लिए भाई स्पेशल दिया गया, कील निकली हुई है घुटनों में। और गाइज ये पूरा चेक करो, ये पूरा की पूरी वेशभूषा इसको कहते हैं ड्रेस है राजा की, जिसे पहन के वो लड़ाई में युद्ध में जाते थे भाई। डबल डबल तलवार रखते थे, देखो एक तलवार होती है बंदे राजा के पास, दो तलवार। और भाला चेक करो भाई कितना बड़ा भाला है। और ये पूरा जो जैकेट है ना ये भी पूरी लोहे की है।
और सामने चेक करो भाई, ये है घोड़ा, राजा का घोड़ा। इसको भी भाई जब जंग में ले जाते थे तो इनको भी कवच पहनाते थे। ये देखो कवच, पूरा लोहे का कवच है। और सामने ये सूंड है भाई, ये सूंड देख रहे होंगे आप क्यों है। ये सूंड इसलिए है कि जब लड़ाई होती थी तो बहुत बड़े 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 हाथी आते थे, तो उन हाथियों को है ना कन्फ्यूज करने के लिए इसके घोड़े को भी इन्होंने सूंड लगाई हुई है, जिससे हाथी कंफ्यूज हो जाता था कि ये कौन सा हाथी, किस तरह का हाथी, तो डर जाता था। तो इस साइकोलॉजिकली लड़ाई भी लड़ी जाती थी उस टाइम पर भाई। जो मैंने ये आपको दिखाया था पूरा कवच, राजा के पूरा कवच का वजन 35 केजी है भाई। ये देखो ये सारे सामान राजा लड़ाई पे लेके जाते थे, 35 किलो वजन भाई मान्य रखता है भाई, 35 किलो वजन उठा के लड़ना। ये यहाँ पे कवच वगैरह ऐसी है भाई, ये सारी चीजें ऐसी मिलेंगी। तो ये सैनिकों के हैं भाई, भाले वाले पता नहीं क्या क्या है भाई। तलवार देखो कितनी बड़ी तलवार है यार भाई, चेक करो कितनी सारी बंदूकें हैं, उस टाइम की बंदूकें हैं ये सारे। और ये सारे इनके हाथ से चलाने वाले चक्कू वाले हथियार हैं। और ये सामने देखो भाई, ये पूरे हथियार हैं जिनको आप अस्त्र बोल सकते हैं, राजाओं के अस्त्र हैं। और इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है, चाकू, बंदूक और भाई तोड़ादार, ये सारी चीज़ें हैं भाई। और ये देखो मछली जैसा एक अस्त्र हो रहा है भाई, ये क्या है, ये मछली जैसा भाई। ये चेक करो कितनी बड़ी बंदूक है यार, इसका बोर चेक करो कितना बड़ा है। देखो यार मेरे पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रही है ये पूरी बंदूक है, देखो कितनी बड़ी बंदूक है। तो भाई ये जो देख रहे हो ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है और जो ये सामान है, ये सारा सामान यूज किया जाता था राजा महाराजा के जो लड़ाई पे जाते थे, उनके हथियार जो खराब हो जाते थे उनको रिपेयरिंग करने के लिए ये यूज किया जाता। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देख लो भाई, ये चेक करो यहाँ पे सारे ना अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, सारे जितने भी हैं अस्त्र शस्त्र हैं राजाओं के, ये सब अस्त्र शस्त्र हैं भाई। गाइस ये देखो ये हाथ दिख रहा है आपको ऊपर, सबसे मेटल का हाथ है। और भाई ये मेरे घर पे भी है, पर ये मेटल का नहीं, मेरे घर पे प्लास्टिक का हाथ है भाई। इसका क्या करता, राजा अपनी कमर खुजाते थे क्या इससे भाई। ये देखो तलवारें ही तलवारें हैं, मुझे लग रहा है इतनी तलवारें हैं ना जहाँ पे यूज नहीं हुई होंगी युद्धों में, ये रखने के लिए हैं बस केवल। गाइस चेक करो ये देख रहे हो, ये पिस्टल एक मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। वो पीछे था जनाना महल, और भाई यहाँ देखो मर्दाना महल। अब मर्दाना महल में एंट्री करेंगे भाई। ये देखो भाई तोप, और ये सैनिक देख रहे हो भाई, ये देखो भाई क्या चित्रकारी है यार, जबरदस्त पूरा भाई। मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रही है, ये देखो वाइड एंगल करता हूँ तब भी नहीं आ रही। मर्दाना महल में ये है गणेश डीओडी द्वार भाई, सामने गणेश जी की मूर्ति और ये आर्किटेक्चर है जबरदस्त। तो गाइज मेरे सब्सक्राइबर भाई हो गए हैं, जुड़ गए हैं फैमिली में, देखो ये मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं। गाइज अब देख लो मैं आ गया हूँ महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर, और ये महाराणा प्रताप का कक्ष है। लंबे आदमियों के लिए लिखा हुआ माइंड योर हेड, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। ये कवच है, ये क्या ढाल है, ये तीर है। तो गाइज ये देख लो यहाँ पर ये जो है सारे कलरफुल ग्लासेस हैं, यहाँ से शायद हो सकता है अच्छा व्यू आने के लिए इसको यूज किया जाता होगा, और तो कोई इसका यूज मुझे लग नहीं रहा। गाइज ये हल्दी घाटी की माटी है, जहाँ पे युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उसी माटी को लेके आया गया, ये देख लो भाई बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम पर ये महाराणा प्रताप जी बैठे हुए हैं। गाइज ये पूरा हल्दी घाटी का युद्ध दिखाया गया है यहाँ पे, देख रहे हो ये पूरा का पूरा हल्दी घाटी का युद्ध है, और इसमें कितनी मार काट हुई थी वो सारा आप इस पेंटिंग के थ्रू देख सकते हो भाई। भाई जबरदस्त व्यू आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, चेक करो। तो गाइज ये चेक करो यहाँ से अपना पिछोला लेक का व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार। और यही तो व्यू है जिसे देखने के लिए हम लोग आए, और इधर भी एक लेक है भाई, और ये पूरा लेक वाला एरिया है। और यहाँ से देखो भाई कैसा व्यू आ रहा है, ये चेक करो ये ना लेक का एरिया है, जो यहाँ से करणी माता मंदिर के लिए जाते थे तो उसी में जाते थे भाई। भाई ये झरोखा चेक करो, तो भाई देखो कितना पतला पतला रास्ते से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ये गुप्त रास्ता था जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें राजा वगैरह लोग अंदर जाते थे, सिर्फ ये उनके लिए गुप्त रास्ते हैं। और ये देख लो भाई, और भाई गुप्त रास्ते से निकलने के बाद ये चेक करो भाई, ये चारों तरफ का भाई व्यू चेक करो। ये कंपाउंड एरिया है यहाँ पर, और ये चारों तरफ की जो नक्काशियाँ वगैरह की गई ना भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या व्यू आ रहा है यार, जबरदस्त अमेजिंग। और इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है भाई। ये डाक कबूतर पिंजरा है, जो पहले ना डाकिया का काम करते थे कबूतर,
तो उन्हीं को यहाँ पे रखते थे अपने पर्सनल कबूतर रखने के लिए। सबने अपने पर्सनल पिंजरे बना रखे हैं, देख लो गाइस। इसी कॉन्सेप्ट को देख के वो गाना शूट किया था, कबूतर जा जा जा। सो गाइस ये चेक करो, ये यहाँ पे हो सकता है कुछ नृत्य वगैरह होता होगा या सभा वगैरह होती होगी, तो उसी का है ये। अपने को नॉलेज नहीं है बट फिर भी अच्छा लग रहा है इसलिए मैं शूट करके दिखा रहा हूँ आपको। और ऊपर की छत देख लो और नीचे की फ्लोरिंग भी देख लो आप, ये सब उसी ज़माने की हैं, ये इनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। और ये देखो भाई, ये टब बनाया हुआ है, बाथ टब था या क्या कुछ होता होगा, ठंडक आती होगी उसके लिए है। और ये सामने भाई चेयर है, ये उसी टाइम की चेयर है। सो गाइज यहाँ से चेक करो, पूरा उदयपुर सिटी दिख रही है अपने को, और ये पूरा उदयपुर सिटी का व्यू है। और नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये कंपाउंड एरिया है जो कि अपना किले का कंपाउंड एरिया है। और यहाँ से चेक करो, पूरा उदयपुर सिटी दिख रही है भाई। गाइज ये देखो, यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है उदयपुर सिटी का, कितना बड़ा शहर है भाई ये देख रहे हो आप। तो राजा वगैरह लोग यहीं से देखते होंगे, क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई। और ये दुर्ग देखो भाई, यहाँ पे ऊपर झंडा लगता है राजा का, जब भी राजा का कुछ अभिषेक वगैरह होता होगा तो यहाँ पे झंडा लगाया जाता है। और ये पूरा पिलर है गाइज, ये देख रहे हो, फिर से एक गुप्त द्वार। यहाँ से अंदर अंदर होके जाएंगे और हम कहाँ निकलेंगे ये मुझे भी नहीं पता, चलते हैं भाई। अच्छा लग रहा है ये, काफ़ी अच्छा है। और ये देखो नक्काशियाँ चेक करो भाई, ये सब हैंडमेड है भाई, कोई मशीन से नहीं बनाया गया, सारा कुछ हैंडमेड है पूरा। गाइस सामने देख रहे हो, एक मिरर लगा हुआ है और ऊपर बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, हीरा पन्ना पता नहीं क्या क्या नाम है, इनके नाम भी मुझे नहीं पता भाई। सारे के सारे ना प्राइसलेस हैं और ये सारे एंटीक पीस हैं भाई। इनमें चमक है, अगर नीचे कहते हैं ना एक तरीका है कि अगर नीचे आप मोमबत्ती लगा दोगे तो ये सारे के सारे है ना पूरा चमकेगा भाई, ये देखो। तो भाई आ गए हम मेन कंपाउंड पे, छत पे, रूफ पे आ गए हम इस समय, सबसे टॉप फ्लोर पे हैं हम लोग। और ये टॉप फ्लोर का व्यू है, और ये सामने एक महल और है, और इधर भी एक महल है, और ये ऊपर दुर्ग देख सकते हो आप भाई, क्या कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। और इधर भी एक दुर्ग, यहाँ बैठक वगैरह होती होगी पहले। और ये टोटल व्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं भाई, ये देखो ये होता है भाई फोटोग्राफी बिल्कुल लेट के। तो भाई ये भी एक, सो गाइज ये भी एक महल है, और ये हाथ से चलने वाला पंखा है सामने देख रहे हो, और इसकी डोर ये रही, तो यहाँ से चलता था ये हाथ से चलने वाला पंखा है। और ये अपना व्यू चेक कर लो भाई, सामने वहाँ पे राजा बैठता था कुर्सी पे, और पीछे वो पंखा लगा हुआ है, वहाँ से अपना पंखा बनता था। और भाई ये पंखा चलाने के लिए ना यहाँ पे क्या नाम है, एक बंदा खड़ा करते थे वो, और वो यहाँ से डोरी खींचता था और वो अंदर की तरफ पंखा चलता था जो मैंने दिखाया। ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये आइवरी का बना हुआ है, यानी कि जो हाथी के दांत हैं उनके द्वारा बनाया गया है, ये देख लो। तो भाई ये है अपना झूला जिस पर रानियाँ वगैरह बैठ के झूलती होंगी उस टाइम पर, ज़बरदस्त है यार भाई। राणा प्रताप के शायद गद्दी है, इसी पे बैठ के वो अपना सभा हुआ करते होंगे। तो भाई ये साउंड में आप चेक कर लो इसको। सो गाइज यहाँ से चेक करो, पूरा कंपाउंड एरिया नीचे से नजर आता है, जो मैंने आपको नीचे का दिखाया था ना वो सारा एरिया यहाँ से नजर आता है। और ये सामने का पूरा उदयपुर सिटी, तो देख लो क्या व्यू आ रहा है भाई। सो गाइज ये चेक करो आप, ये राजा यहाँ पे बैठते थे, राजा की कुर्सी है सारी, और क्या व्यू है भाई, इसे कहते हैं रॉयल फैमिली। सामने का व्यू चेक करो भाई, अभी जो मैं यहाँ नीचे था, अब नीचे से मैं आया हूँ पूरा ऊपर, ये पूरा व्यू है इधर का, क्या व्यू आ रहा है यार। तो भाई ये आ गया हूँ मैं सूर्य चौपाड़ के अंदर, इसको कहते हैं सूर्य चौपाड़े, और ये है वो सूर्य जिसके नाम से इसकी चौपाड़ का नाम है, सूर्य चौपाड़। सो भाई वजन तोलने के लिए कांटा है, राजा वगैरह लोग उस समय जब बैठते थे, महाराणा भूपाल सिंह जी का वजन करने का कांटा है ये, और यहाँ बैठ के वजन करते थे। तो भाई देख लो अभी आ गया हूँ मैं एक और गुप्त रास्ते पे, वे ये है भाई सीक्रेट रास्ते, खत्म ही नहीं हो रहे। एक और सुरंग चेक करो भाई, पूरी सुरंग है सामने का भाई, ये खत्म हो गया यहाँ पर आकर के। और ये देखो ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं बड़े बड़े, इन बर्तनों में कुछ ना कुछ बनाते होंगे, वही बर्तन हैं। और ये देखो भाई ये कितना बड़ा बर्तन है, शायद ये किचन एरिया है, तो किचन एरिया से बाहर निकल रहे हैं हम लोग और अब जा रहे हैं दूसरी जगह। तो भाई ये पुराने ज़माने का चूल्हा और ये जनाना महल है, यहाँ पे देख लो आपको दिखाता हूँ मैं, ये है अपना मसाला पीसने के लिए, और ये चम्मच है जो की पूरी पीतल की हैं। और ये देखो बहुत सारे सामान है भाई यहाँ पे, लेडीज आइटम के सारे सामान हैं यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे अपना उखली वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये चेक करो भाई घड़े,
और ये जो बर्तन है ये सारा है ना पूजा वगैरह का सामान बनता था इसमें। यहाँ पर परंपरा के लिए पीतल वगैरह के बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, कांस से वगैरह के बर्तन हैं। और ये भी भाई कुछ मर्तबान हैं, यहाँ भी कुछ खाना वाना बनता होगा, वो ये सब चीज़ें हैं। ये देखो कितना बड़ा है यार ये। और ये है सरबती विलास, सामने ब्रज विलास, और ये पूरा कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर भाई। जाके सोने वगैरह का बिस्तर है यहाँ पे, सोने का काम मतलब सोते होंगे यहाँ पे राजा लोग। और ये पूरा कमरा है भाई, पूरा कमरा है ये देख लो। और ये बेड है राजा का, और ये पूरा कमरा है। और यहाँ पेंटिंग्स भी है भाई रानियों की और राजा की पेंटिंग है, ये चेक कर लो आप कितनी पुरानी होंगी यार ये सब भाई, चेक करो आप। ओ मैं तो डर गया था यार, कोई राजा भोपाल थे उनकी, उनका विलास है मतलब सोने में बैठने का पूरा कमरा। और ये चेक करो भाई झूमर, चेक करो यार गाइज, ये देख रहे हो आप, ये जो पेंटिंग है ना ये सारी की सारी पेंटिंग पूरी की पूरी नेचुरल कलर से बनी हुई है, और ये कलर पूरा का पूरा नेचुरल कलर है, ये देख लो आप चारों तरफ। और पंखा देखो यार कितना बड़ा पंखा है। ये वेशभूषा देखो रानी की, ये वेशभूषा है भाई। सब गाइस हम जनाना महल के अंदर हैं यानी लेडीज़ रूम में, और ये सारे के सारे देख लो बर्तन हैं, ये सब पीतल के, और पीतल के ज़्यादातर बर्तन अपने को नज़र आ रहे हैं, सारे बर्तन पीतल के। तो भाई एक मंदिर है ये, और इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, शंकर भगवान और पार्वती माता का मंदिर है, तो देख लो ये यहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती माता को विराजमान किया गया है। और ये पूरा मंदिर है भाई, यहाँ पूजा वगैरह करती थी रानियाँ जो थी। ऐसी कहानी है कि यहाँ पे जो कुंवारी कन्या होती थी वो शिव भगवान से आराधना करती थी अपना मन चाहा जीवन साथी पाने का और गुणवान जीवन साथी पाने के लिए। तो भाई ये पानी को गर्म करने के लिए और गर्म रखने के लिए एक मर्तबान है, और इसमें बर्तन को इसी तरीके से बनाया गया है कि इसमें ना पानी गर्म रहता है, ऊपर से देखो देख रहे हो ऊपर से भट्टी जलती रहती है, कोयला डला हुआ है, और नीचे पानी, और यहाँ से पानी का एग्जिट है, और इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और नीचे कोयले दिख रहे होंगे आपको, कोयले अभी भी जल रहे हैं भाई इसमें, और ये यहाँ से चेक कर सकते हो आपकी पानी है कितना कितना नहीं है, वो सब चीज़ है भाई, क्या टेक्नोलॉजी है उस समय में। गाइस ये अपने सब्सक्राइबर भाई मिले मेरे को यहाँ पर अपना विजिट करते हुए, तो सारे भाई हैं भाई, अपना अपना नाम बोल दो एक बार। राहुल सिंह, सरव सिंह, राहुल सिंह, राहुल भाई, लीलू सिंह। तो भाई सारे अलवर से ही हो, वो कहने जैसलमेर से आए हैं भाई सारे, सॉरी कैसा लगा? हमारा नाम तो भैया देख लो भाई। हाँ भाई आपका नाम? नरेंद्र सिंह जी। और आपका? दोजर सिंह भाटी। भाई जी सारे अपने सब्सक्राइबर भाई हैं, पर अभी भाई सारे जितने यहीं पे मिले अपने को, और भाई इन लोगों को प्यार देख कर अच्छा लगता है भाई, उन्हें सब्सक्राइब करो तो इनकी बात वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू भाई, तो भाई सब्सक्राइबर मिल गए थे अपने भाई, ऐसा आप लोग मिलते हो तो भाई अच्छा लगता है, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। और भाई ये देखो यहाँ पे है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, ये वस्त्र रखने का स्टोर रूम है जहाँ पे अपना रानी अपना स्टोर वस्त्र वगैरह रखती थी। साड़ी देखो भाई, साड़ी पे काम देखो, ये साड़ी है, और यहाँ पे अपना सूट वगैरह जो होते थे ऊपर का ब्लाउज वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो भाई यहाँ पे रानियों का श्रृंगार किया जाता था, देखो आपको उसी तरीके से यहाँ पे चित्र बना के रखा हुआ है कैसे रानियों का श्रृंगार दासियाँ करती थी, तो यही है सारा। साइड में मैंने आपको दिखाया था उनका वस्त्र रूम, तो वहाँ पे अपना वस्त्र वगैरह वो रखती थी। और भाई ये मनोरंजन के कुछ साधन थे यहाँ पे उस टाइम पर, तो ये जो शतरंज टाइप से, शतरंज कहते हैं क्या कहते हैं यार इसको, चौपड़ होती थी, ये चौपड़ खेलते थे राजा लोग। और इधर भी देखो ये रखे हुए हैं, तो ये सारा का सारा लूडो वाला सिस्टम है, जो पहले हम लूडो खेलते ना उस टाइम पे ये खेल हुआ करते थे, और यहाँ पे कुछ खेल हो रहे हैं भाई, तो ये सारा मनोरंजन केंद्र है। और यहाँ पे ये देख लो, तो भाई राजा के सेना में ना लेडीज़ भी होती थी, तो वो भी सैनिक होती थी, तो उनके जो वस्त्र हैं जब लड़ाई पे जाती थी तो ये वस्त्र यूज करती थी, देखो जनाना कवच कहते हैं इसको, और ये भी जनाना कवच है, पूरा कवच करने के बाद सैनिक इस तरीके से लगता था, ये है जनाना कवच। रानियाँ भी लड़ाई में युद्ध लड़ती थी, तो ये उनके कवच हैं, ये इस तरीके से यूज होते थे भाई, बेहतरीन। सो भाई ये देखो रानियों का ये सोने का अपना कक्ष है जहाँ पे रानियाँ अपना विश्राम किया करती थी, सोती थी, तो ये देख लो कितना भव्य लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। सामने आप देख लो बेड है, तो भाई ये राजा के बच्चे जो होते थे उनके पालने हैं, और उनको खिलाने के लिए सीटी वगैरह, पता नहीं क्या क्या बच्चों के खिलौने हैं, ये चांदी के खिलौने हैं सारे। और ये जितने भी हथियार हैं ना ये सारे लेडीज़ों के लिए हैं, और जो लेडीज़
जो होती थी सैनिक सोल्जर्स लेडीज सोल्जर्स के हथियार हैं भाई ये सारे। तो गाइस एक और ये व्यू है यहाँ से आप चेक कर लो, सारे में शीशे शीशे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई ये देख लो ये पूरा मैप है उदयपुर का, जहाँ से अपना किला है और ये यहाँ पे बीच में लेक है, ये सारा वो पूरा का पूरा मैप बनाया हुआ है। सो गाइज ये महल के ना मॉडल बना के रखे हुए हैं, इस तरीके का मॉडल है पूरा, ये पूरा का पूरा महल ऐसा लगता है देख लो। और ये भी दूसरा महल है मॉडल नंबर 4, 19वीं से 20वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था। अब ये सारी खंडित मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं देख लो, ये सब खंडित मूर्तियाँ जो खंडित हो गई थी वो सारी मूर्तियाँ हैं, ये सब हैंडमेड मूर्तियाँ हैं। इनको है ना मुगलों ने तोड़ दिया था आक्रमण के टाइम पर, तो इनको यहाँ पे संग्रहालय में रखा गया है। देखो कितनी भव्य लग रही हैं यार, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो देखो ये भी किसी देवी देवताओं की मूर्ति हैं, ये सब खंडित कर दी गई थी मुगलों द्वारा, जो मुगल आए थे तो उन्होंने ना पूरा मंदिर वगैरह को ध्वस्त किया था, तो उस टाइम के ये सारे सबूत हैं कि उन्होंने इन सब मूर्तियों को तोड़ दिया था। ये देखो ये भी एक आधी मूर्ति है जिसको तोड़ दिया गया, सर तोड़ दिया इसका, ये सब खंडित मूर्तियाँ हैं भाई। ये सारा का जो है संगीत का है पूरा, और यह माँ शारदे सरस्वती उनकी मूर्ति है, वास्तव में भी भाई यहाँ पे क्या है रियाज किया करते होंगे, तो ये रियाज करने के देखो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कमाचिया कमायचा, और ये वायलिन है, ये उसी टाइम के है शायद भाई। गाइस ये देख लो ये सारे है ना म्यूजिक म्यूजिक रूम है ये टोटल, यहाँ पर जितना भी है म्यूजिक वगैरह का काम होता होगा उस टाइम पर, सितार हैं और भाई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे। एक ये ताउस है, ताऊ नहीं ताउस है भाई ये, और ये सारे इसराज वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं यार, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पूरा ही म्यूजिक रूम है, और भाई रेडियो चेक करो भाई, ये रेडियो है, उस ज़माने में रेडियो यूज होता था क्या भाई। और ये इंस्ट्रूमेंट्स चेक करो ये वाला, ये सब म्यूजिक के पूरा म्यूजिक रूम है ये तान पूरा, ये देखो कितना बड़ा है यार। और भाई ये 100 साल पुराने हैं बताते हैं, राजा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, ग्रामोफोन है और ये भी ग्रामोफोन है, एक 100 साल पुराने हैं ये सब। ये देख लो भाई ये चेक कर लो अपना ये सामने जो 40% एरिया जो है इसका पूरे उदयपुर महल का, उसमें 40% एरिया के अंदर अब नए राजा जो इस समय के जो राजा हैं वो रहते हैं। और सामने जो आप फाउंटेन देख रहे हो ये वाला फाउंटेन, अगर ये फाउंटेन चालू है तो इस चीज़ का साइन है कि यहाँ राजा अभी इस समय महल में हैं, और फाउंटेन अगर बंद है तो राजा यहाँ पर नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, कितना भव्य है यार ये सब चीज़ें। तो गाइस ये भी एक कंपाउंड एरिया कह सकते हो आप इसको भी, ये पूरा कंपाउंड एरिया है। अभी हम ऊपर थे वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और ये देखो टोटल चेक करो, अभी उस साइड से घूम के आए हैं हम लोग और ये पूरा इसका टूर है। सो भाई ये है अमर महल, और यहाँ पे टोटल जो है सिल्वर का काम है, टोटल सिल्वर का, यहाँ पे बैठ के राजा वगैरह कुछ हवन वगैरह किया करते होंगे। और ये देखो चक्की चेक करो भाई, उस टाइम के आटा पीसने की चक्की है ये, और ये जितने भी बर्तन हैं सब स्टील के हैं, और गद्दियाँ देखो, और बीच में हवन हवन का कुछ लग रहा है भाई, वहाँ पे हवन करते होंगे, ओम लिखा हुआ है, और ये चौकी है हवन वगैरह करने के लिए भाई, ये हवन वगैरह करनी है शादी के लिए यूज़ किया जाता था, ये मंडप है ये, जिस टाइम पर रानियों की शादी होती थी ना वो मंडप वगैरह का यूज़ किया जाता था इसको मंडप के लिए। गाइस आप यहाँ पढ़ सकते हो, तो ग्रैंड वेडिंग हुआ करती थी, रॉयल वेडिंग्स, तो ये इस तरीके से लगता था, जैसे अब इस समय जो है ये ऐसा है और उस टाइम पर ये ऐसा होता था। मंडप है भाई, ये है मंडप देख लो भाई, जिसमें इधर की तरफ दूल्हा दुल्हन बैठ जाते थे, वहाँ पंडित बैठ जाता था, और यहाँ बीच में हवन होता था, और यहाँ पे अपना फेरे वगैरह लिए जाते थे। राजा की बग्घी है ये, और ये उसका मॉड्यूल है, आगे घोड़े जो है वो आर्टिफिशियल हैं, पर लेकिन पीछे का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा उसी टाइम का है भाई, जेन्युइन जैसा उस टाइम पे पहले होता होगा भाई। क्या सवारी करता होगा राजा, पूरा चांदी का बना हुआ है भाई, ये सब चांदी का है भाई, ये ओवरऑल टोटल चांदी का है। यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है भाई, पंखा चेक करो, ये भी पूरा चांदी का काम है, इसके ऊपर हैंडल जो है चांदी का और नीचे कपड़े का है पूरा। और ये भाई झूमर है, ये भी सब चांदी के हैं ओवरऑल, और ये पूजा का सामान है, यहाँ पे इसमें दिए वगैरह जला के पूजा की जाती होगी, और ये छत्र हैं माता के किसी को चढ़ाए गए होंगे, सारे ये पूजा के सामान है ओवरऑल जितना भी है, ये कलश वगैरह सब पूजा का सामान है। और इधर भी है भाई, ये यहाँ पर ये जो है टोटली पूरा सिंगार का सामान है, शीशा है, कंघी है, और ये सेंट वगैरह की बोतलें हैं, ये सब चीज़ें हैं भाई। तो ये घोड़ा चेक कर लो, राजा का घोड़ा है ये, राजा इसी पे बैठ के शेर के लिए जाते थे और शिकार के लिए भी इसी बैठ बैठ के जाते थे। क्या व्यू आ रहा है यार,
ये चेक करो, वॉच चेक करो, उस टाइम की वॉच है ये। और इस ये जो देख रहे हो आप ये गोल गोल, इसके अंदर है ना संदेश आता था लिख करके चांदी के, इसके अंदर संदेश पढ़ा जाता था, उस एक पर्दा होता था उस पर्दे पे संदेश लिखा रहता था। ये टोटल है भाई वही है। ये हुक्का चेक करो भाई, रानी का हुक्का है ये, इस तरीके से रानी अपना हुक्का वगैरह यूज करती थी। और ये पान दान वगैरह है राजा रानी का। चांदी की चप्पल चेक करो गाइस, ये होती है मतलब राजा रजवाड़े वाली फील। सो गाइस अब हम आ रहे हैं, एग्जिट हो गया है, और ये पूरा ओवरऑल टूर था ये इसका महल का। तो भाई थक गया हूँ पूरा, ओवरऑल मैंने जितना भी था सारा बना लिया है, और काफ़ी बड़ा महल है, इसको एक्सप्लोर करते करते हालत ख़राब हो गई मेरी। और सामने का देखो पोल देख लो, और अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओ, और वीडियो पर कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये चेक करो भाई, ऊपर से आ रहा हूँ मैं, वहाँ से ऊपर से पूरा बनाते हुए। ये है ओवरऑल यहाँ का कंपाउंड एरिया जो ऊपर से दिख रहा था। ये था मेरा ओवरऑल ब्लॉग्स जो कि हमने आपको दिखाया अपना उदयपुर सिटी पैलेस। तो इसका ओवरऑल कंपाउंड एरिया मैंने आपको चेक करा दिया है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।